हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं प्रोफेसर भावना। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करने वाले हैं हमारे टर्म नंबर 117 की और ये है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, उस पर फिल्टर लगाना या उसे रोकना। और अगर हम गेट कीपिंग को मीडिया के कॉन्टेक्स्ट या फिर मीडिया के संदर्भ में देखें तो गेट कीपिंग वो प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके जरिए जो एडिटर्स हैं, जिन्हें गेट कीपर्स कहा जाता है, वो किसी भी जो सूचना है, घटना है, उसको फिल्टर करते हैं और उसकी जो न्यूज़ वर्दीनेस होती है, क्योंकि न्यूज़ वर्दीनेस का भी एक पैमाना होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो आती हैं और सारी सूचनाएं या जो घटनाएं हैं वो खबर तो नहीं बन सकती। तो इसलिए खबरों को तय करने का भी एक पैरामीटर बनाया गया है और उसे ही न्यूज़ वर्दीनेस कहते हैं या फिर उसको ही न्यूज़ का जो एलिमेंट्स है वो कहा जाता है, जिसके बेसिस पे जो एडिटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि फलाना जो घटना है या फलाना जो सूचना या जानकारी हमारे पास आई है वो खबर बनने लायक है भी या फिर नहीं है। तो गेट कीपिंग को जानना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस दौर में गेट कीपिंग की सही ढंग से देखा जाए तो परिभाषा बदल रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। क्योंकि आज जो गेट कीपर्स हुआ करते हैं किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, तो यानी वहां पर गेट कीपर्स की नहीं चलती। तो ऐसे में हमें और आपको खुद गेट कीपर्स बनना होगा, हमें और आपको खुद इन जो सूचनाओं की बमबारी हो रही है उन बमबारी से खुद को बचाने के लिए, अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि एक बार आप सोशल मीडिया पर जाइए और देखिए कि कितना वक्त वहां चला जाता है। तो बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां फ्लोट होती है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां या इस तरीके की अफवाहें होती हैं, कॉन्स्पिरेसी है, प्रोपेगेंडा है, और यहां तक कि जो पीआर है, पीआर को भी खबर बना के परोस दिया जाता है। तो गेट कीपर्स यानी जो एडिटर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जब गेट कीपर्स किसी भी खबर को फिल्टर करते हैं तो वहां पर दो तीन चीजें काम करती हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी इंटरनल पॉलिसी भी होती है, तो उन इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी एडिटर्स ये तय करते हैं कि कौन सी सूचना को खबर बनाएंगे, किस खबर को वो तवज्जो देंगे और किसे नहीं देंगे। दूसरी चीज जो कन्फर्म्ड बायसनेस जिसे हम कह सकते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन काम बहुत गहराई से करता है, जिसका असर बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि एडिटर किसी बायसनेस से ग्रसित होने के कारण भी किसी जो घटना है उसको रिजेक्ट कर दे। तो गेट कीपिंग अगर थ्योरी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1947 में और कर्ट लुइन ने इस थ्योरी को दिया था, और कहा जाता है कि इस थ्योरी का जो एक तरीके से बैकग्राउंड है या इस थ्योरी के लिए जो जमीन तैयार की वो हेरॉन लॉसविल ने की थी, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का प्रोपेगेंडा कैंपेन की वो स्टडी कर रहे थे उस दौरान। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे गेट कीपर बनेंगे और जो सही खबरें हैं, यानी जो ऐसी खबरें हैं जो वाकई में जरूरी हैं और वो अफवाह नहीं है, वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, आप इन सूचनाओं की बमबारी में से सही जानकारी को निकाल के उसका सही ढंग से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, और इससे ही इंफॉर्मेशन लिटरेसी या न्यूज लिटरेसी भी कहा जाता है। तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में, और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये वीडियोज अच्छे लगें तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।